जो संजोली का प्रकरण है, मस्जिद की बात करी गई है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कोई अन्य संप्रदाय का या समाज का या धर्म का मामला ये नहीं है। मामला ऐसा है कि अवैध तो अवैध है, इसके लिए प्रशासन जो है, और जैसे कल कल भी मैंने आप लोगों के द्वारा स्टेटमेंट्स अलग अलग सुनी है कि मल्याना से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद ही उसने कुर पकड़ा है। मैं बताना चाहूँगा कि मल्याना में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी कल्प्रिट थे, इसको मैं नहीं समझता हूँ कि किसी धर्म या जाति से जोड़ना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसने मारा उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी, है ना। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे उसमें तीन काउंसलर आदरणीय तीन काउंसलर हैं हमारे, उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है। हालांकि काउंसलर्स की ही बात नहीं है कि वो कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र से या किसी अन्य क्षेत्र से, ना केवल काउंसलर्स, आम जनता को गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल मंगा ली गई है, मैंने व्यक्तिगत रूप से कॉरपोरेशन से उसकी रिपोर्ट मंगाई है, मेरे पास रिपोर्ट उसकी पड़ी है। वो अवैध जो है वो बनाई गई है, उसका केस ऑलरेडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला में चल रहा है, जिसकी सैटरडे को जो है उसकी हियरिंग है। और कोई भी ऑफिसर भी हो, वो किसी अवैध को वैध तो नहीं बता सकते, उसके लिए इमिजिएटली ऑर्डर पास उसका होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इस बट तो होनी नहीं चाहिए। अगर 10 square feet या 500 square feet पास हुआ है और उसमें 5000 square feet बना दिया गया हो, तो वो सामने इमिजिएटली वो दिख रहा है अपनी रिपोर्ट, JEE की उसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, HCM की उसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, कॉरपोरेशन में AP की रिपोर्ट सबमिटेड है, अवैध है, उसको गिराया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। और एक और जो बाहरी राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में प्लान कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोंगियाज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। जो लोग अवैध रूप से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि क्या आपराधिक है, वहाँ क्राइम करके आते हैं और यहाँ के शराफत की ज़िंदगी जीते हैं, लेडीज़ का चलना मुश्किल हो गया है सड़कों के अंदर, बच्चों का मुश्किल हो गया चलना। और मैंने SP महोदय को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल हम, चाहे वो शिमला का क्या हिमाचल प्रदेश का कोई भी क्षेत्र होगा, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि अवैध रूप से बाहर खड़ियाँ लगा के सड़क में बैठें और उसको बाद में चाहे बाजारी का नाम दिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। समय समय पर जो है प्रशासन भी सर्कुलर्स जारी करती है कि अगर आप घर में भी अपने कोई एम्प्लॉय रखते हैं, उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन। उसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से आके यहाँ बैठे, हमारी बहू बेटियों को छेड़े या माहौल ख़राब करे और उनकी वेरिफिकेशन हम ना करें। वो कौन से देश के नागरिक हैं, कौन से प्रदेश के नागरिक हैं, इसकी जाँच और उनकी क्या भूमि है, उसकी जाँच जो है बहुत आवश्यक है। और वो हम लोग कर रहे हैं जिला पुलिस के साथ आपकी बात की, उनको आदेश दिए गए हैं कि बिल्कुल जी, मेरे जिला पुलिस के साथ, जिला प्रशासन के साथ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी इस बारे में विस्तृत बात हुई है। देखिए, हम इंडिया इज अ फ्री वर्ल्ड, कोई भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य में जा सकता है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं हैं कि कोई कहीं ना जा पाए। लेकिन वो क्या अपने स्टेट में मर्डर करके आया है, क्या वो कोई रेप करके आया है, इसकी जांच तो चाहिए ना। वो कैसे यहाँ बैठ रहा है, उसके दस्तावेज तो चाहिए। तो क्या उसके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की परमिशन है? ऐसा नहीं है कि बाहर से आओ और सीधा अपना टोकरी उठाओ और सड़क के ऊपर बैठ जाओ। हमारे जो लोकल लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उनको मना किया जाता है, बाहरी प्रदेश से कोई आ रहा है तो उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं? न केवल मैं अभी की बात करूँगा, या मैं कांग्रेस की या BJP की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अन्य पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सही को सही बोलना चाहिए और इसके खिलाफ जो है हमने आवाज़ उठाई है और ये अब दबने वाली नहीं है।